गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ एंड मोरल. टेक आउट योर मोरल बुक. ओके, सो वी ऑलरेडी फिनिश्ड अवर 7 चैप्टर्स. सो टुडे वी स्टार्ट 8th चैप्टर. ओके, सो द नेम ऑफ द 8th चैप्टर इज द बर्ड एंड द बैट. ओके, सो यू विल रीड दिस चैप्टर बाय योरसेल्फ एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस स्टोरी. ओके, इन शॉर्ट. ओके, सो इन दिस स्टोरी देयर वाज अ गर्ल मीनू. ओके, हर नेम इज मीनू. शी हैड नो ब्रदर एंड सिस्टर, शी इज ओनली चाइल्ड. ओके, सो शी वाज सो वो बहुत उदास रहती थी बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ ब्रदर एंड सिस्टर्स. ओके, सो उसकी मदर ये डेली देखती थी कि ये जो है मीनू जो है बहुत चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है, खेलती नहीं है. तो उस उनको समझ में ये उसकी प्रॉब्लम आ गई. इसके बाद उन्होंने उसके लिए एक बर्ड लाकर दी. ओके, एक बहुत सुंदर चार्मिंग बर्ड थी जो सिंगिंग करती थी. ओके, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या थी उस बर्ड की स्पेशलिटी क्या थी कि वह ऑलवेज नाइट में ही सिंगिंग करती थी. ओके, डे में नहीं करती थी. तो इस तरीके से मीनू जो है हैप्पी रहने लगी वो उस बर्ड के साथ. बट वन डे क्या हुआ, वन नाइट मीनू ने देखा कि एक बैट आई और उसके जो है इससे केज से टकराकर वहीं जाकर उसके पास बर्ड के पास ये बैठ गई. ओके, तब उसने बैट ने देखा, फिर उसने देखा और उससे बात की और उससे बोला कि तुम हमेशा ऐसे चुप क्यों रहती हो और हमेशा नाइट में ही सिंगिंग क्यों करती हो. तो ये जो है बैट ने बर्ड से पूछा. तब देन आफ्टर दैट द बर्ड रिप्लाइड कि इसके पीछे बहुत गुड रीज़न है. तो जो बैट था उसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे मतलब पता चलना चाहिए कि क्या इतना बड़ा रीज़न है जिसके इस बात के पीछे कि वो नाइट में ही सिंगिंग करती है, डे में नहीं. ओके, तब फिर बर्ड कंटिन्यूड सेड कि एक बार जब वो सिंगिंग कर रही थी इन डे टाइम, तो वहाँ पर एक जो है एक शिकारी आया और उसने उसकी वॉइस से अट्रैक्ट होकर उसको पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और उसको केज में कैद कर लिया. ओके, तब से जो है बर्ड ने सिंगिंग करना नाइट में सॉरी डे में जो है बंद कर दिया था. वो डे में नहीं जो है सिंगिंग करती थी, वो हमेशा नाइट में करती थी. नाइट में वो इसलिए करती थी कि कोई उसकी आवाज़ को ना सुने और ना कोई उसकी वॉइस से अट्रैक्ट हो. ओके, इसलिए उसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो जो है नाइट में सिंगिंग करती थी. बट बैट ने बोला कि अब बाद में प्रिकॉशन लेने से क्या मतलब है, ये इसके लिए तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था. अब जब तुम प्रिजन में हो, केज में हो, और अब ये तुम अगर रूल को फॉलो करती हो कि नाइट में ही गाना है, डे में नहीं गाना है, तो अब इस ये तो यूज़लेस है क्योंकि अब तो तुम प्रिजन में केज में हो ना ऑलरेडी. तो अब इसका कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है कि तुम अब तुम डे में भी गा सकती हो और नाइट में भी गा सकती हो क्योंकि तुम ऑलरेडी केज में हो. तो ये जब बात बोली बैट ने, तो मीनू ये बात सब सुन रही थी. ओके, तो बर्ड को भी समझ में आया, उसको भी लगा कि हाँ जो बैट है वो सही बोल रहा है. तो बैट ने यही बोला कि प्रिकॉशन बाद में लेने से कोई यूज़लेस है. जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको उससे पहले ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बाद में लेने से वो यूज़लेस हो जाते हैं.
ओके। तब मीनू वाज क्वाइटली लिसनिंग, ये सब चीज़ें मीनू जो है वो सुन रही थी और उस बैट की बातों से जो है मीनू कन्वेंस थी कि हाँ ये जो बैट है वो सही कह रहा है। उसको भी फिर उसने भी डिसाइड किया कि कभी भी फ्यूचर में कोई भी क्राइसिस आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उससे पहले ही हम प्रिकॉशंस लेंगे, क्योंकि बाद में लेने से कोई मतलब नहीं है, वो यूज़लेस होते हैं। वन शुड बी एबल टू इमेजिन द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एनीथिंग दैट मे हैपन इन द फ्यूचर एंड अकॉर्डिंगली टेक प्रिकॉशंस। ओके, द फ्यूचर में हमको लगे कुछ प्रॉब्लम्स आनी है या कुछ हम काम करने जाते हैं तो उससे पहले हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उससे पहले ही हमको प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी बट नाइस स्टोरी। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज बेटर सेफ देन सॉरी। ओके, मीन्स हमको कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो ओके, सो दिस इज द स्टोरी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज। सो टिक द करेक्ट ऑप्शन, वाई वाज मीनू अलोन। ओके, सो वाई वाज मीनू अलोन, सो थ्री ऑप्शंस आर हियर, बिकॉज शी हैड नो ब्रदर एंड सिस्टर, सो यू हैव टू पुट हियर टिक। व्हाट वाज मीनू फॉन्ड ऑफ, बर्ड्स एंड फ्लावर्स। ओके, उसको क्या पसंद था ज़्यादा, बर्ड्स एंड फ्लावर्स। व्हाई डिडंट द बर्ड सिंग इन द केज, बिकॉज इट वॉज कॉट वाइल सिंगिंग, क्योंकि सिंगिंग करते ही टाइम उसको पकड़ लिया गया था, इसलिए वो जो है सिंगिंग नहीं करती थी। ओके, सो दीज आर द टिक एंड टिक द करेक्ट कंप्लीटेड। नाउ बी फिल इन द ब्लैंक्स, मीनू लव्ड डैश सिंगिंग बर्ड एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वॉचिंग, आंसर इज वॉचिंग। द बर्ड वॉज चार्मिंग बट वुड नेवर सिंग ड्यूरिंग द डे, सो हियर कम्स सिंग। मीनू सॉ अ बैट विच केम एंड क्लस टू द बार्स ऑफ द केज, सो हियर कम्स बैट। मीनू लव्ड हर डैश वेरी मच एंड वुड टेक ऑल केयर, हियर कम्स पेट। अ डैश वॉज अट्रैक्टेड बाय माई वॉइस एंड सेट हिज नेट फॉर मी, सो हियर कम्स फॉलोअर। ओके, सो दिस फिल इन द ब्लैंक्स यू हैव टू राइट करेक्टली फ्रॉम दिस एंड क्वेश्चन आंसर्स दिस आई विल सेंड यू। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर डी यू हैव टू लर्न ऑल दिस। ओके, ऑल दिस साइंस ऑन द रोड। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस। Write a few lines about an incident when you forget to take precautions. Okay, so about this topic you have to write 2-3 lines only in this book only. Okay, and expand this in your own words. It is always better to be careful from the beginning, keeping the consequences in mind. Okay, so this topic also you have to write here 6-7-8 lines here. Okay, means जब हमको कोई भी हमको जो है केयरफुल हमेशा रहना चाहिए शुरू से ही, और हमारे माइंड में उसके लिए प्रिकॉशंस जो है पहले से ही तैयार करके हमको रखना चाहिए कि जब कोई क्राइसिस है या कोई हम कुछ वर्क ऐसा करने जा रहे हैं तो पहले से ही हमको केयरफुल रहना चाहिए। ओके, सो दिस रिलेटेड यू हैव टू राइट हियर एटलीस्ट 6-7 लाइन्स इन योर बुक ओनली। ओके, डोंट राइट इन कॉपी। ओके, एंड लर्न दिस ऑल द साइंस। ओके, so this chapter is finished. Now learn well and write question answers in your copy. Okay, so thank you and have a nice day.